Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Riyaz, your chemistry teacher from PMS Char Sadda. हमने कल chemical formula और उसके types पढ़े थे. हमने पढ़ा था कि chemical formula हमारे पास symbolic representation है compounds का, molecule of compounds का, कि हम compounds को एक खास symbolically एक खास तरीके से हम उनको represent करते हैं, that is called a chemical formula. और वो हम कैसे लिखते हैं, तो हमने पढ़ा था कि उन कंपाउंड्स, वो कंपाउंड जो जिन एलिमेंट से बने होते हैं, हमने उनको इनके सिंबल्स को इकट्ठा करके लिखना है. एंड सेकंडली हमने क्या करना है कि उनका जो रेशो है, जिस रेशो में वो कंबाइन हुए हैं, तो वो एज अ सबस्क्रिप्ट हमने शो करना है. एज अ सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट से हमें ये पता चल जाता है कि हर एलिमेंट के कितने एटम्स उस कंपाउंड को बनाने में यूज हुए हैं. ठीक है, तो ये सब आपके पास क्या है, ये सब आपके पास टर्म्स है जो कि आपने यूज किए थे कल. ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज के उसके टाइप्स भी हमने कल पढ़े थे कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है. तो हमने पढ़ा था कि एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट केमिकल फार्मूला है जो कि एक्चुअल नहीं भी हो सकता, मतलब कि जरूरी नहीं कि हर टाइम एक्चुअल फार्मूला हो आपके पास. सिंपलेस्ट फार्मूला जस्ट आपके पास एक तरीका है, एक मेथड है जिससे हम ये बताते हैं कि सबसे जो कम वो कंबाइन हो सकते हैं ना, मतलब कि जिस रेशो में वो कंबाइन हुए वो सबसे कम वाली रेशो क्या है. ठीक है, जैसे कि हमने कल एग्जांपल के तौर पे पढ़ा था कि आप फर्ज करें कोई, आप कोई फंक्शन रख रहे हो, कोई पार्टी रख रहे हो, और आप उसमें कुछ चीजें खाने के लिए मंगवा देते हो ना. ठीक है, आप फर्ज करें आपने सैंडविच मंगवा दिए हैं. अब आपने ऑर्डर दिया हुआ है कि हमें 20 सैंडविचेस चाहिए ना. अब आपको पता है कि हमारे 20 बंदे हैं या 10 बंदे हैं, तो वो एक एक दो दो काले में या एक एक काले का, तो उसका जो उसकी जो भूख है वो मिट सकती है. तो आपने उसी को जहन में रख के आपने वो मंगवाए होते 20 सैंडविच, मीन्स कि आपने 20 के लिए 20 मंगवाए हैं. ठीक है, अब आप कहते हो कि पर हिट कितने आ रहे हैं, तो वो आप जो सिंपलेस्ट रेशो निकालते हो ना, तो वो वैसे ही आप निकाल रहे होते हो, मतलब कि उसकी कोई वो नहीं है. बस सिर्फ आपको बताना चाह रहे होते हो कि सबसे सिंपलेस्ट जो इनके दरमियान तनासुब है, जो रेशो है, वो क्या है. ठीक है, तो ये एम्पिरिकल फार्मूला भी वैसी ही एक टेक्निक है जिससे हम बताते हैं कि जो दो एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं वो सबसे सिंपलेस्ट अगर वे में हम कहें तो वो किस रेशो में कंबाइन हुए, तो वो होगा आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला. ठीक है, और हमने पढ़ा था कि ये एक्चुअल नहीं भी हो सकता. एक्चुअल मीन हकीकत वाला, जो हकीकत में कंबाइन होते हैं ना, तो वो आपके पास नहीं हो सकता. ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये वही हो. फिर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास होता है एक्चुअल फार्मूला, जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स आपको बताते हैं कि जो रेशो, जिस रेशो में वो एक्चुअली कंबाइन होते हैं वही रेशो आपको बता रहे होते हैं. तो ऐसे फार्मूले को हम फिर कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला. ठीक है, जैसे कि आपने कल एग्जांपल के तौर पे पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज C6H12O6 है, और इसका एम्पिरिकल फार्मूला अगर हम रेशो निकालें तो 6:12:6 का सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा वो होगा 1:2:1. ठीक है, और इससे इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो आएगा C2O. ठीक है, इस तरह से बेंजीन का हमने पढ़ा था C6H6 उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और अगर हम 6:6 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आपके पास आता है 1:1, दैट वुड गिव अस एन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ CH फॉर बेंजीन. ठीक है, CH फॉर बेंजीन. ठीक है, तो ये उसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए CH बेंजीन का एक्चुअल फार्मूला नहीं है, लेकिन ये उसका सिंपलेस्ट रेशो है, एम्पिरिकल फार्मूला है उसका. ठीक है, फिर कल हमने पढ़ा था कि इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप भी है जो कि हमें बताता है कि इन दोनों के दरमियान किस मतलब कौन सा मल्टीपल है आपके पास. अगर फर्ज करें आपके पास एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तो फिर इस जो रिलेशनशिप है आपके पास कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला या एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, ये आप इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हो, एन मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला या n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला. ठीक है, वेयर n आपके पास क्या हो सकता है, 1, अगर 1 तब होगा जब आपके पास एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो. एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी. ठीक है, और अगर डिफरेंट होगा तो फिर 2, 3, 4, 5, 6 आपके पास आएगी. इन केस ऑफ बेंजीन या इन केस ऑफ ग्लूकोज आपके पास जो n की वैल्यू है दैट इज 6. ठीक है, वो क्या है, 6 है. अब देखिए CH आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन है, तो अगर आप उसके साथ 6 मल्टीप्लाई कर लें तो 6 ones are 6 and 6 ones are 6, तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा एंड यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा C6H6. ठीक है, दैट वुड बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन. फिर हमने कुछ
पढ़ा था कि हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला समटाइम्स आपके पास सेम भी हो सकते हैं, जैसे कि हमें अभी टेबल हमने पढ़ा था कल, तो उस टेबल में आपने कुछ एग्जांपल भी उसके पढ़े थे, ये सारे वो है। अब देखिए इन सब का इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला मुख्तलिफ है। अच्छा, आपको मैंने कल एक और बात भी बताई थी कि इंपेरिकल फार्मूला दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का सेम हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का सेम नहीं होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का सेम नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ग्लूकोज का ये इंपेरिकल फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सब का आपको दिया गया है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिया गया है। H2SO4, Fe2O3, NH3CH4, N2H2O, इन सब को आप देखिए ना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इन सब का इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। दैट मींस कि अगर रिलेशनशिप हम निकाले इनके दरमियान, तो यहाँ पे जो इन की वैल्यू होगी वो वन होगी। क्या होगी? वन। ठीक है, अच्छा आपको कह रहे कि 1.7 टेबल से हमें क्लियर है कि सम कंपाउंड है वो आइडेंटिकल इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला की। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? अलाइक, सेम। ठीक है, एक जैसे। ठीक है, फिर हमने कल जो हमने अधूरा छोड़ा था, जो हमने थोड़ा सा किया था, दैट वाज फार्मूला यूनिट, जो कि थर्ड टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला है। फार्मूला यूनिट स्पेसिफिकली आयनिक कंपाउंड के लिए होता है। अब आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? तो आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जो आयंस के दरमियान, जिसमें आयंस होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? आयंस। और आयंस क्या होते हैं? तो आयंस तब बनते हैं जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करे। आयन तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन क्या, एटम इलेक्ट्रॉन क्या करे? लॉस या गेन करे। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपके पास एटम में सेम होते हैं और आप एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है, तो जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे। अब जिस जो ज्यादा हो गए उसका चार्ज उस पर पेयर हो जाएगा। अब अगर आपके पास एक एटम है और आपको पता है कि एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, अब अगर कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसमें कौन से पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे? ठीक है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन लॉस के लिए, दैट मींस कि इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, तो अल्टीमेटली प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। तो इस आयन पे जो आयन आपके पास होगा, जो एटम से आयन बन गया है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से, तो इस पे कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा, क्योंकि प्रोटॉन आपके पास ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, अब अगर इसी इंफॉर्मेशन को आप यूज करें, किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए है, क्या कर लिए है? गेन। तो अब मुझे कौन बताएगा कि उसमें अब क्या ज्यादा हो गया है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? गेन करना मतलब ये होता है कि उसने हासिल कर लिए है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन बताएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या प्रोटॉन? जी बच्चे हरिया जी, उमेजा सर, जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे और प्रोटॉन कम। वेरी गुड। अच्छा, अब कौन बताएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो उस एटम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, वो कौन सा चार्ज आयन बन जाएगा? जी फातिमा बच्ची बताए। नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। वेरी गुड, वेरी गुड। फातिमा ने बता दिया है कि नेगेटिव चार्ज उस पे आ जाएगा। दैट वाज नाइस। ठीक है, आपके पास, आपने जैसे पढ़ लिया है कि एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कर सकते हैं। तो जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो उसमें जाहिर बात है पहले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल थे, अब इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिए है, दैट मींस कि इलेक्ट्रॉन उसकी उससे खारिज हो गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली जब आपके पास दो चीजें बराबर होती है और उसमें एक कम हो जाए तो दूसरा क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने पढ़ा कि अगर पर इसका इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो अब इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, हो जाता है, तो और हम कहते हैं मेजोरिटी विंस, मतलब कि जो आपके पास ज्यादा होंगे वही चार्ज आपके पास आएगा। मेजोरिटी विंस आप कहते हो ना, मेजोरिटी विंस मतलब कि जिनकी कसरत होती है वो जो ज्यादा होते हैं वही जीतते हैं आपके पास। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं तो इस एटम पे अब चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज, एंड देयर वुड बी अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, अब आपने एक बात याद रखनी है कि नेगेटिवली चार्ज आयन को हम एनायन बोलते हैं, A-N-I-O-N। नेगेटिवली चार्ज आयन को हम क्या बोलते हैं? एनायन। ठीक है, A-N-I-O-N। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज आयन को हम एनायन बोलते हैं, जबकि पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम बोलते हैं कैटायन, C-A-T-I-O-N। पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या बोलते हैं? कैटायन। अब आपने पढ़ लिया है कि पॉजिटिवली चार्ज आयन यानी कैटायन कब बनेगा? जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? लॉस करेंगे। ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज आयन यानी एनायन कब बनेगा? जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अब आयन बन गए हैं, अब उन आयन
आपके पास एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया है, तो जाहिर बात है कि कोई दूसरा एटम होगा जो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ना। जैसे कि आप रास्ते पे जा रहे हो, दो दोस्त हो, एक से कोई चीज गुम जाती है तो दूसरा उसको दूसरे को मिल जाती है, या वो एक से कोई चीज गुम ही होती है ना तो दूसरे को वो मिल जाती है। तो इसी तरह से एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो दूसरा उसको गेन करेगा, तो जो लॉस करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दैट मीन्स कि आप टू अपोजिटली चार्ज आयंस बन जाएंगे, एक पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाएगा कैटायन बन जाएगा और दूसरा नेगेटिव चार्ज आयन बन जाएगा मतलब कि एनायन बन जाएगा। अब ये जो कैटायन है और एनायन है ये दोनों अपोजिटली चार्ज है, और आप लोगों ने एक फिनोमेना पढ़ा है कि अपोजिटली चार्ज आयन जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिटली चार्ज आयन एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्ज आयन जो होते हैं जिसपे सेम चार्ज आयन सेम चार्ज होता है, ऐसे आयन जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। ये आपने याद रखना है कि जब भी अपोजिटली चार्ज होंगे आपके पास दो चीजें होंगे और उनपे अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब आपके पास दो चीजें होंगे दो चार्जेस होंगे और उनमें सेम चार्ज होगा उस पर सेम चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल मीन्स धक्का देना, ठीक है। जैसे आपने घर पे कभी मैग्नेट को ट्राई किया होगा, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। तो आप मैग्नेट को लेते हो, उसके नॉर्थ पोल्स को एक दूसरे के करीब लाते हो तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि एक भी नॉर्थ है दूसरा भी नॉर्थ है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक मैग्नेट का साउथ पोल और दूसरे का नॉर्थ पोल एक दूसरे के करीब लाते हो तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि सेम चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे दो आयंस बन गए हैं, दोनों अपोजिटली चार्ज है, तो जाहिर बात है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों के दरमियान एक अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा जिसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है, और उससे एक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड कब बनेगा, मतलब कब इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होंगे, तो ये आपको पता चलेगा पीरियाडिक टेबल से, ठीक है। आपने एक बात याद रखनी है, अपने जहन में बिठा रखनी है कि मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल्स दात जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, क्योंकि उनके साइज बड़े होते हैं ना, एटॉमिक साइज बड़े होते हैं, एटम के साइज बड़े होते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं। तो जब कोई चीज आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं तो उन पर अट्रैक्शन कम हो जाती है, इसलिए वो इजीली लॉस हो जाते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं, लॉस। तो आपने याद रखना है ये टेबल देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर ये लिथियम नहीं लिखा हुआ एल आई, तो यहाँ से लेकर ऐसे, ठीक है, फिर ये नीचे आए, फिर इस तरफ आए, ठीक है, और फिर ये जो ब्लू है आपके पास, ये सारे यहाँ से ये पूरे यहाँ तक आपके पास ये क्या है, और ये सारी नीचे जो है ये दो लाइंस, ठीक है, ये सारे मेटल्स है, ये सारे क्या है, मेटल्स। देखिए यहां से लेकर, ठीक है, ये पूरा आपके पास क्या है, ये एल्यूमिनियम एल जो लिखा हुआ, ये नीचे ये सारे ब्लू, ये सारे आपके पास क्या है, मेटल्स है। ये येलो कलर के जो है ये यहाँ वाले, ये नीचे जो दो लाइंस है, ये वाले सारे यहाँ पे जो दो है आपके पास, ये लाइंस, ये हाइड्रोजन के अलावा, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरे आपके पास क्या है, मेटल्स है, ठीक है, ये पूरे आपके पास मेटल्स है। दैट इज तकरीबन 91 आपके पास मेटल्स है, जबकि 27 आपके पास नॉन मेटल्स है। 27 क्या है बच्चे, नॉन मेटल्स, ठीक है। हर पीरियडिक टेबल के नीचे आपको एक की दी गई होती है, की मीन्स की उसकी एक चाबी होती है जिससे आप पीरियडिक टेबल को समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे दी गई है कि ये अल्कली मेटल्स है, ये देखिए ये कलर वाले जो है ये अल्कली मेटल्स है, ये येलो कलर वाले, ये वाले आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये जो आपके पास कलर्स है ना ये वाले, ठीक है, तो ये वाले ये जो दरमियान में है ये ट्रांजिशन मेटल्स है। फिर यहाँ पे जो है ये मेटल लाइक होते हैं, इसलिए इसको सेमी मेटल्स कहते हैं। सेमी मेटल्स मीन कि दे हैव बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, ऐसे को हम मेटालाइड कहते हैं, मेटालाइड, ठीक है, सेमी मेटल या मेटालाइड। तो ये सारे आपके पास मेटल्स हैं, ये पूरे आप अपने बुक के पेज नंबर 67 निकाले तो उस पे पीआर टेबल है, बुक का पेज नंबर 67 उस पे पीआर टेबल है, तो आप उसमें ऐसे अपनी ये लाइंस ड्रा कर लिए कि यहाँ से पेंसिल उठाए, यहाँ से ऐसी लाइन ड्रा करें, ठीक है, फिर नीचे आए, फिर यहाँ से इस तरफ आए, ठीक है, फिर एल्यूमिनियम की तरफ ऊपर जाकर यहाँ से फिर ये जो ऐसे स्टेप्स से है ना ये ब्लू कलर वाले, तो ये सारे आप कर ले ऐसे यहाँ तक, ये आखिरी जोड़ के, ठीक है, तो ये सारे और ये नीचे जो है आपके पास, ये सारे आपके पास मेटल्स है, ये सारे क्या है, मेटल्स है। बाकी जो ये रह जाते हैं ना ये वाले, ये जो येलो के उस साइड पे है, तो ये सारे नॉन मेटल्स है, क्या है, ये
नॉन मेटल्स, और ये दरमियान में जो येलो रह जाते हैं ये वाले, ये मेटालाइड है। मेटालाइड मीन्स कि इनमें दोनों की खासियतें हैं, जैसे कुछ जानवर होते हैं ना जिनमें दोनों खासियत होती है, जैसे कि आपके पास बैट है जिसको हम चमगादड़ कहते हैं ना, बैट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मैमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है, कि वो मैमल भी है बच्चों को दूध दे रहा होता है जबकि वो आपके पास बर्ड भी है, ठीक है, इस तरह से वेल आपके पास फिश भी है और मैमल भी है, तो ऐसे कुछ खासियत होती है ना जानवर की होती है जिनमें दोनों खासियत होती है, तो इस तरह से ये आपके पास ऐसे मेटल्स हैं, ये वाले ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें दोनों खासियतें हैं, मतलब कि वो मेटल भी है और नॉन मेटल भी है, मेटल भी है और नॉन मेटल, इसलिए यहाँ पे इनके लिए वर्ड यूज किया गया है सेमी मेटल। सेमी मीन्स नीम, सेमी किसे कहते हैं, नीम को, मीन आधे, ठीक है, तो ये थोड़े बहुत इसमें मेटल की हैसियत होती है, खासियत होती है, और थोड़ी बहुत नॉन मेटल्स के, तो ये सारे आपके पास मेटल्स है ये, ठीक है, ये पूरे, और ये जो बाकी रह जाते हैं ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स, ठीक है, और इनमें जो दरमियान में है ये मेटालाइड है, मतलब कि इनमें दोनों खासियतें होती हैं। तो अब अगर आपके पास आपको फार्मूला दिख आपको दिख जाता है ना, उस फार्मूले में एक एलिमेंट यहाँ से है, मतलब कि ये मेटल्स है, एक एलिमेंट कहाँ से है, ये मेटल्स वगैरह से, ठीक है, और एक एलिमेंट आपके पास इन नॉन मेटल्स में से है, इन नॉन मेटल्स में से, ठीक है, ये जो कुछ है देखिए, ए टी आई बी आर सी एल एफ ओ एन एस ई पी एन एन सी, ये जो सारे आपके पास है, ठीक है, तो आपने समझ लेना है कि ये मेटालाइड, ये आपके पास आयनिक कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है, आयनिक, मतलब कि कोई एक एलिमेंट यहाँ से हो, ठीक है, एक एलिमेंट यहाँ से हो और कुछ, और एक एलिमेंट या दो एलिमेंट यहाँ से हो आपके पास, ठीक है, ये जो नॉन मेटल्स है यहाँ से, तो आपने समझ लेना है कि ये आयनिक कंपाउंड है, ये कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में हमेशा एक मेटल होगा और दूसरा क्या होगा, नॉन मेटल होगा, ये आप लोगों ने याद रखना है, और ये हमेशा आयंस के दरमियान बनेगा, किसके दरमियान, आयंस के दरमियान, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो बताया जा रहा है कि आल द आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड आपने समझ लिया कि जो आयंस से बनते हैं, जिनमें आयंस होते हैं, और आयंस कैसे बनते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि वो न्यूट्रॉन लॉस और गेन से बनते हैं, फिर उन पे अपोजिट चार्ज आ जाता है जो कि उनको अट्रैक्ट करता है दूसरी की तरफ, और उससे वो एक साथ रहते हैं, और एक साथ रहने से वो एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है, उसको हम एक खास फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट, फार्मूला यूनिट, फार्मूला इसको कहते हैं, जैसे कि क्योंकि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसलिए इसको फार्मूला कहते हैं, यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उस आयनिक कंपाउंड में बार बार रिपीट होता है, बार बार क्या होता है, रिपीट, मतलब कि ये उसकी बेसिक इकाई होती है, मतलब ये कि अगर आपके पास फर्ज करें 10 किलो NaCl हो ना, 10 kg आपके पास NaCl हो, तो उसमें NaCl जो है NaCl की बार बार रिपीट हो रहा होगा, मतलब कि उनके अगर आप अंदर मतलब उसके एटॉमिक वे पे, एटॉमिक स्टेज पे, एटॉमिक लेवल पे आप उसकी स्टडी करें आयनिक स्टेट पे, तो आपके पास जो यूनिट्स होंगे वो किससे बने होंगे, NaCl से, NaCl मतलब कि बहुत सारे NaCl आपके पास उसमें कंबाइन हुए होंगे, और उससे आपके पास वो जो NaCl है वो आपके पास कंपाउंड जो बड़ा आपको दिख रहा है, ठीक है, वो बना होगा, ठीक है, तो फार्मूला यूनिट आपके पास क्या है, फार्मूला इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, एंड यूनिट इसलिए कहते हैं कि ये रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए हम फार्मूला यूनिट की डेफिनेशन इस तरह करते हैं कि फार्मूला यूनिट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का जो सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है, रिपीटिंग मीन दोहराया जाने वाला, जो बार बार दोहराया जा रहा हो, ठीक है, यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड शोइंग द सिंपल रेशियो, शोइंग द सिंपल रेशियो, जो सबसे सिंपल रेशियो बताता है, अब सिंपल रेशियो की क्यों बात कर रहे हैं, आपने याद रखना है कि फार्मूला यूनिट में हमेशा सिंपल रेशियो होगा, हमेशा क्या होगा, सिंपल, सबसे मतलब सिंपलिस्ट की आप बात करते हो ना, सबसे सिंपलेस्ट रेशियो फार्मूला यूनिट में होगा, कि फार्मूला यूनिट में कभी भी आपके पास रेशियो जो है वो और सिंपलीफाई नहीं होगा, ये आपने याद रखना है, फार्मूला यूनिट के लिए ये बात आपने याद रखनी है कि फार्मूला यूनिट हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो दिखाता है, क्या दिखाता है, सिंपलेस्ट रेशियो, ऑल द आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फार्मूला यूनिट, सारे आयनिक कंपाउंड को हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला यूनिट क्या है, तो फार्मूला यूनिट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड शोइंग द सिंपल रेशियो बिटवीन द आयंस, जो आयंस के दरमियान सिंपल रेशियो आपको बताता है, फॉर एग्जांपल आपके पास होल क्रिस्टल लेटर्स है, क्रिस्टल आप अपने साथ लिख लीजिए इसके ऊपर, क्रिस्टल कहते हैं स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप हैविंग ऑब्जेक्ट, क्रिस्टल किसे कहते हैं, स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप हैविंग ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसका खास ज्योमेट्रिकल शेप हो, स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप हैविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका क्या हो, स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप हो, ज्योमेट्रिकल शेप आप लोगों ने पढ़े हुए जो क्यूब्स होते हैं, पायरमिड्स होते हैं, मुख्तलिफ शेप्स होते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं
क्रिस्टल्स, ठीक है। अगर आपके पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड मीन दो चीज है आपके पास और उसका एक खास ज्योमेट्रिकल शेप है, तो आपने कहना है कि ये क्रिस्टल है। ये क्या है? क्रिस्टल, जैसे डायमंड होते हैं ना, वो भी क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्रिस्टल के मायने क्या है? स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप हैविंग ऑब्जेक्ट। उर्दू में इसको कलम बोलते हैं, कलम, ठीक है। जैसे आप जिस कलम से आप लिखते हो ना, तो ऐसी कलम, कलमी जो आपके पास अशिया होती है ना, कलमी अशिया, तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टल्स, ठीक है। क्रिस्टल, क्रिस्टल मीन्स स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप हैविंग ऑब्जेक्ट। लेटेस्ट कहते हैं बच्चे अरेंजमेंट को, लेटेस्ट किसे कहते हैं? अरेंजमेंट, तरतीब को। तो जो क्रिस्टल होता है ना आपके पास, ज्योमेट्रिकल शेप होता है, वो कब आता है? जब आपके पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो तरतीब से अरेंज होते हैं। क्या अरेंज हो? तरतीब से। अगर तरतीब से अरेंज ना हो ना, तो आप उससे क्रिस्टल नहीं बना सकते। जैसे कि जो आइसक्रीम्स लोग खाते हैं ना, आइसक्रीम्स, तो उसमें जो उसका जो अंदर वो तिनका सा होता है, जिसमें आपने वो लकड़ी का बना होता है, जिससे आप उनको खाते हो, पश्तो में उसको डंडर बुलाते हैं, डंडे, डंडा शांति, तो उसको हम क्या करते हैं कि वो जब हम आइसक्रीम खा लेते हैं, बचपन में बच्चों का ये मशगला रहता है कि हम जब आइसक्रीम खा लेते हैं तो उससे हम स्टार्स बनाते हैं, स्टार्स, ठीक है। तो वो स्टार्स बनाने के लिए उनको प्रॉपरली अरेंज करना पड़ता है। अगर आप प्रॉपरली अरेंज नहीं करते तो उससे वो स्टार नहीं बन रहा होता, ठीक है। इस तरह से आप जो चारपाई बनाते हैं ना घर पे, तो उसमें भी जो उसके जो पाए पाए होते हैं ना, पाई मीन जो उसके टांगे होती है ना, जो चारपाई जिसको हम कहते हैं पाई, वो जो पाई उनके होती है, उसको आपने प्रॉपरली अरेंज करना होता है, इसीलिए तभी आपके पास वो चारपाई बन रही होती है। अगर आप उसको प्रॉपरली अरेंज नहीं कर रहे होते तो वो चारपाई आपके पास नहीं बन रही होती। तो लेटेस्ट कहते हैं बच्चे अरेंजमेंट को। तो क्रिस्टल यानी खास ज्योमेट्रिकल शेप तब आएगा जब आपके पास अरेंजमेंट होगी आपके पास, ठीक है। तो क्रिस्टल लेटेस्ट मीन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टल। इसकी पूरी मायने क्या है? क्रिस्टल के मायने मैंने आपको बता दी है। क्रिस्टल के की मीनिंग है आपके पास स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप हैविंग ऑब्जेक्ट। इन क्रिस्टल लेटेस्ट के मायने है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टल, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल। लेटेस्ट के मायने क्या है? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टल मींस कि क्रिस्टल लेटेस्ट मीन के अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टल। आप लिख दे अपने साथ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल, ठीक है। आपके पास अब सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, तो उसमें जो पार्टिकल अरेंज हुए है ना, तो उनके दरमियान रेशो जो होगा Na+ और Cl- के दरमियान, वो क्या होगा? 1:1, 1:1, मतलब कि सोडियम और क्लोरीन के दरमियान रेशो जो होगा वो 1:1, चाहे वो 1,000,000 सोडियम क्लोराइड भी हो ना, 1,000,000, तो उसमें आपके पास क्या होंगे? 1,000,000 आपके पास क्लोरीन होंगे और 1,000,000 आपके पास सोडियम के आयन होंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको कह रहे हैं कि होल लेटेस्ट ऑफ होल क्रिस्टल लेटेस्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड, आपके पास पूरा जो क्रिस्टल लेटेस्ट है ना, क्रिस्टल है आपके पास सोडियम क्लोराइड का, तो उसमें जो सोडियम है और क्लोरीन है, इनके दरमियान रेशो जो होगा वो हमेशा क्या होगा? 1:1, और इसका फॉर्मूला यूनिट आपके पास होगा NaCl, क्या होगा? NaCl। इसी तरह से KCl में आप देखें तो ये फॉर्मूला यूनिट है पोटेशियम क्लोराइड का, और इसमें जो रेशो होगा वो हमेशा क्या होगा? वो भी NaCl की तरह 1:1 होगा, क्या होगा? 1:1, पोटेशियम क्लोराइड KCl आपके पास उसका रेशो भी क्या है? 1:1, ये हमेशा इसी तरह आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको नीचे एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम बता रहे हैं और आपने इसमें बताना है कि इसमें कौन सा एलिमेंट आपके पास, मतलब कि फार्मूला यूनिट में आपके पास कौन सा एलिमेंट जो है वो कितने हैं आपके पास, उसके एटम्स कितने हैं, ठीक है, तो आपने बताने। अब देखिए यहाँ पे है मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड Hg2Cl2 आपके पास है। अब देखिए Hg मर्करी का सिंबल है, अब मुझे कौन बताएगा कि Hg में आप ये जो Hg2Cl2 है, इसमें मर्करी यानी Hg कितने हैं, कितने एटम्स हैं उनके जी, कौन बताएगा? हरी, शाबाश, Hg2Cl2 में मर्करी के कितने एटम्स हैं जी? फरहान अहमद नजर जी, बच्चे जल्दी बताएं, फरहान, फरहान जल्दी बताएं। 1:1 है ये, 1 हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन नहीं है बच्ची, ये मरकरी है, ठीक है। Hg मरकरी का सिंबल है, किसका सिंबल है? यस सर, चाहिए आपने याद रखा, ठीक है। चलिए उमेजा आप बताएं, सर इसमें मर्करी इसमें 2 है और इसमें क्लोरीन भी 2 है। वेरी गुड, इसमें मर्करी के एटम्स भी 2 है और क्लोरीन के एटम्स भी क्या है? 2 है। अच्छा, अगर कोई मुझे ये वाला बता देगा ना, ये वाला, इसमें नाइट्रोजन कितने हैं, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, फास्फोरस कितने हैं और ऑक्सीजन, ठीक है, ये कोई बता दे शाबाश।
बताए तो ये कि इसमें जी खलील खलील और रहमान बताए बच्ची इसमें नाइट्रोजन कितने हैं? सर इसमें वन नाइट्रोजन है। वेरी गुड। हाइड्रोजन कितने हैं? फोर। फोर है? सिक्स। है। वेरी गुड। फोर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स हो जाते हैं। वेरी गुड। अच्छा फास्फोरस कितने हैं? वन। वेरी गुड। और ऑक्सीजन? फोर। वेरी गुड। शाबाश खलील रहमान। अच्छा अब ये MgCl2 में कौन बताएगा मुझे इसमें मैग्नीशियम कितने हैं? जी फातिमा इमरान। सर इसमें मैग्नीशियम वन है। वन है। वेरी गुड। और क्लोरीन? टू। क्लोरीन कितने हैं बच्चे? क्लोरीन टू है। क्लोरीन टू है। वेरी गुड शाबाश। अच्छा ये नेक्स्ट जो आपके पास है NH4OH इसमें कौन बताएगा कि इसमें नाइट्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं? जी ज़ैन। सर नाइट्रोजन वन है, हाइड्रोजन फाइव है और ऑक्सीजन वन है। वेरी गुड। नाइट्रोजन वन है, हाइड्रोजन फाइव है और ऑक्सीजन जो है वो भी क्या है, वो भी वन है। ठीक है याद। वेरी गुड शाबाशी, याद रखिएगा। ठीक है बच्चे, चलिए थैंक यू बेटा, थैंक यू सब के लिए जिन्होंने हैंड रेस किए हुए ना सब के लिए शाबाश शाबाश। ठीक है अच्छा चलिए अभी हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। ठीक है इसके बाद आपके पास जो टॉपिक है दैट इज मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। जैसे अभी आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा और फार्मूला मास फार्मूला यूनिट पढ़ा ना, तो अगर आपको कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया हो और आप उसमें सारे एटम्स के मासेस जो है वो ऐड कर ले तो उससे आपके पास आएगा मॉलिक्यूलर मास। और अगर आपको कोई फार्मूला यूनिट दिया गया हो और उसमें सारे एटम्स के मासेस आप ऐड कर ले तो उसको उससे आप क्या कहोगे कि उसको आप कहेंगे जी उमेजा आपने कुछ कहना है बच्चे? तो उसको आप कहेंगे फार्मूला मास। ठीक है अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाए और आप उसमें सारे एटम्स के मासेस जो है उनको सम कर दे उनको ऐड कर दे तो उसको आप कहोगे मॉलिक्यूलर मास। और अगर आपको फार्मूला यूनिट दिया जाए और आप उसमें सारे एटम्स के मासेस जो है वो ऐड कर लो सम कर लो तो उसको आप कहोगे फार्मूला मास। ठीक है अब हम वन बाय वन इनको डिटेल से पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर मास मींस मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस, यानी सिर्फ एटॉमिक मासेस भी आप यहां पे कह सकते हो। ठीक है तो मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। आपके पास किसी मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड में या मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस में, किसी मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस में आपके पास जितने एटम्स मौजूद है अगर आप उनके सारे एटॉमिक मासेस को ऐड कर लो, ठीक है ऐड कर लो तो उससे जो आपके पास आएगा वो होगा मॉलिक्यूलर मास। क्या होगा बच्चे? वो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ देयर सब्सटेंस। उस सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स मौजूद है ना उन सब के एटॉमिक मासेस आप ऐड करोगे तो उससे आपके पास आएगा मॉलिक्यूलर मास। अब कैसे करेंगे तो वो आपको यहाँ पे फार्मूले में समझ आ जाएगा। ठीक है अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेन, इथेन सेकंड गैस है आपके पास, मीथेन जो आपने कल पढ़ा था, मार्श गैसेस जिनको हम कहते हैं, ठीक है मीथेन तो जो आपके घर पे जो स्वीट गैस नेचुरल गैस आ रहा होता है उसमें होता है, तो उसी तरह से इथेन भी उसका एक कंपोनेंट है लेकिन थोड़ा होता है उसमें। ठीक है इथेन C2H6 उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बच्चे? C2H6। इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6। अब देखिए कौन बताएगा इसमें कार्बन कितने हैं? C2H6 में कार्बन कितने हैं कौन बताएगा जल्दी से? शाबाश जिसने पहले। अच्छा उमेजा, वेरी गुड उमेजा बताए। सर कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6। वेरी गुड शाबाश। कार्बन 2 है और हाइड्रोजन क्या है? 6 है। वेरी गुड। अच्छा ये आपने याद रखना है। ठीक है अच्छा उसके बाद देखिए यमुना कुछ पूछना है आपने बच्चे? यमुना अली कुछ पूछना है बच्चे? चलिए सही है। दुर्रे अदन पूछना है बच्चे कुछ? एक्सक्यूज मी सर, सर हम ये पीरियड टेबल के सारे एलिमेंट्स लर्न करेंगे? नहीं नहीं बच्चे इसमें आपको कुछ मैं बता दूंगा जब हम मॉलिक्यूलर मास मालूम करेंगे ना तो आपको मैं जो जो बताऊंगा उसके आपने एटॉमिक मास वगैरह ऐड करेंगे। हम ये पीरियड टेबल में सारे एलिमेंट्स लर्न करेंगे? नहीं नहीं सारे लर्न नहीं करने बच्चे। ठीक है समझ आ रहे हैं बच्चे? यस सर। जब आप यूनिट थर्ड पढ़ोगे ना तो उसमें आपको मैं कुछ कुछ बता दूंगा तो वो आपने लर्न करने, बाकी सारे लर्न नहीं करने। ठीक है बच्चे? ओके सर थैंक।
अब आगे जाते हैं तो हमने पढ़ा कि आपके पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ईथेन है C2H6, तो अगर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हम पीआई टेबल में देखें, पीआईडी टेबल आपके पास ये है, देखें इसमें ये कार्बन है, ये देखें ये कार्बन है, ठीक है। अब कार्बन के साथ ये जो ऊपर लिखा होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर। और हमने पढ़ा हुआ है कि कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है आपके बुक में देखे, तो आपके बुक में जो पीआई टेबल है उसमें एटॉमिक मासेस यहाँ पे नीचे लिखे हुए होते हैं, यहाँ पे नीचे क्या लिखे होते हैं एटॉमिक मास, और ऊपर लिखा होता है एटॉमिक नंबर। तो ये नीचे जो आपके पास लिखा हुआ ये एटॉमिक मास है, तो कार्बन का एटॉमिक मास आपके पास क्या है बच्चे, वो है 12, वो क्या है 12, ठीक है। और हाइड्रोजन का आपको पता है, आपने आइसोटोप में जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें आपने पढ़ा था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं 12 को 1 के साथ ऐड करता हूँ तो ये तो सही नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो दो कार्बन है, मतलब कि 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और 6 हाइड्रोजन है, दैट मींस कि 6 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इससे हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईथेन इस तरह मालूम करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन तो वो कितने हैं, 2 है, मल्टीप्लाई बाय उसकी एटॉमिक मास, ठीक है। तो 2 इनटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, अब 2 इनटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 2 इनटू 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, तो 6 है, तो हमने 6 लिखा, एंड इनटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन तो हमने लिखा 6 इनटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने इसी तरह से इसको करना है, ठीक है। आपको जो फार्मूला दिया गया होगा उसके नीचे आप सबस्क्रिप्ट में देखोगे, और उस एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ वो सबस्क्रिप्ट आपने मल्टीप्लाई करना है, वो क्या करना है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे कार्बन के नीचे सबस्क्रिप्ट जो है वो 2 है, दैट मींस कि हमने एटॉमिक मास ऑफ कार्बन के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है। हाइड्रोजन का यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 6 लिखा हुआ है, दैट मींस कि हमने एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ 6 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब जब आपके पास ये सारे हो जाएंगे तो दरमियान में आपने प्लस लगाने हैं, मतलब कि इन एलिमेंट्स के इसके एटॉमिक मास के सब मालूम कर लोगे, और फिर इसका फिर इसके साथ दरमियान में क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। अब हमने लिखा 2 इंटू 12 एन 6 इंटू 1, और अब देखिए 2 12 आर 24 आ जाएगा, एन 6 1 आर 6, तो 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 30 amu, दैट मींस कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईथेन इज 30 amu, ठीक है। ये आपने इस तरह से करना है। अच्छा, मुझे कोई बच्चा ये बता दे कि CH4 आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4, ठीक है, तो आप जल्दी से कैलकुलेट करके बता दें कि CH4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन, वही कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है जी। हसनैन कुछ है, हसनैन एटॉमिक मास सर, ये एटॉमिक मास और हाइड्रोजन का ये 1 कैसे आया, ये आपके पीरियोडिक टेबल में गिवन भी है बच्चे, और हमने अगर आपको याद है हमने आइसोटोप्स में पढ़ा था कि उसमें एक प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होता है ना, ये वही हाइड्रोजन है। मैंने आपको बताया हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रिटियम, ठीक है। तो उसमें सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो है दैट इज प्रोटियम, ठीक है, और प्रोटियम जो आपके पास है, अब जो ज्यादा पाया जाता है ना, तो वो कहते हैं ना कि जो एक्सिस में होता है, जो मेजोरिटी में होता है, तो वही आपने लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो हाइड्रोजन है उसमें प्रोटियम आइसोटोप का एटॉमिक मास 1 है, तो हमने वही 1 लेना है, क्योंकि उसमें 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन है, एंड मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 1 प्लस 0 से क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1 है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, हसनैन दोबारा से कुछ पूछ रहा है जी, बच्चे बताए कहाँ गया, चलिए बस आज के लिए यहाँ तक सही है। अब किसी ने क्वेश्चन करना है तो वो बता दे, किसी को समझ नहीं आ रहा कोई बात तो बता दे। आपने घर पे होमवर्क में ये करना है कि मैं आपको कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूलास बता रहा हूँ, आपने पीआरई टेबल में जाना है पेज नंबर 67 पे, और उसमें आपने क्या करना है, पीआरई टेबल पे जाके आपने वहां पे एटॉमिक मासेस देखने हैं, जो सिंबल लिखे होते हैं उसके नीचे एटॉमिक मास लिखा होता है और ऊपर एटॉमिक नंबर लिखा होता है पीआरई टेबल में, ठीक है। आप पीआरई टेबल में जाके तो उसके ऊपर आपके पास एक की होता है, की, तो उसमें आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि नीचे लिखा होगा एटॉमिक मास और ऊपर लिखा होगा एटॉमिक नंबर। तो आपने वो एटॉमिक मासेस देनी है और आपने इन कंपाउंड्स के एटॉमिक मासेस को मालूम करना है, मॉलिक्यूलर मासेस को, ठीक है जी। यमुना बताएं, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड फार्मूला मास। अच्छा, मॉलिक्यूलर एंड फार्मूला मास के दरमियान डिफरेंस क्या है बच्ची, तो ये डिफरेंस उसके फार्मूले पे बेस है, मतलब कि जिस फार्मूले पे बेस करके हम ये मालूम करेंगे ना, जिस फार्मूले पे बेस करके हम ये मालूम करेंगे तो उसके बेस पे ये नाम दिया गया है। अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला पे बेस करके, मतलब कि कोई हमें मॉलिक्यूल दिया गया है, मतलब कि उसमें जो एलिमेंट्स है वो दोनों नॉन मेटल्स है ना, तो वो मॉलिक्यूल होगा। अगर दोनों नॉन मेटल है तो वो क्या होगा, मॉलिक्यूल। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है ना, तो इसके लिए जो फार्मूला होगा वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक मेटल होता और एक नॉन मेटल होता तो हम कहते हैं कि ये
एम्पिरिक मतलब फार्मूला यूनिट है, और हम अगर फार्मूला यूनिट पे बेस करके मास मालूम करें तो वो होगा फार्मूला मास, और अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पे बेस करके मालूम करें तो वो होगा मॉलिक्यूलर मास। जी बच्चे समझ आ गया? यस सर। अच्छा और चलिए आपने इन कंपाउंड्स का मालूम करना है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक आपने करना है ग्लूकोज का, आपको उसका फार्मूला पता है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, कौन बताएगा? ग्लूकोज का फार्मूला कौन बताएगा? जी उमेजा सर, C6H12O6। वेरी गुड, तो आपने C6H12O6 का मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है, ठीक है बच्चे। अच्छा दूसरा मुझे बेंजीन का कौन बताएगा? यमुना बताए, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? ठीक है उमेजा सर, C6H6। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा तो आप लोगों ने बेंजीन का और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कल मालूम करके मुझे बताना है, ठीक है। आपने आपको मैंने समझा दिया कि आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला अपने सामने लिखना है, फिर उनमें जो एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक मासेस आपने पीआर टेबल से अपने साथ नोट करने हैं, फिर उसके नीचे जो सबस्क्रिप्ट होगा हर सिंबल के नीचे ना, तो वो उसके एटॉमिक मास उस एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट में जो आ जाए तो उन सबको आपने ऐड करना है, हर एलिमेंट के एटॉमिक मास को ऐड करना है, और उससे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों ने कल मुझे ग्लूकोज का करके बताना है और बेंजीन का। जी उमेजा आपने कुछ और कहना है बच्चे? उमेजा चलिए सही है। अच्छा चलिए अल्लाह हाफिज़ बच्चे, ठीक है।